लक्ष्मण बाग मंदिर, जिसको चारों धाम के भगवान जहाँ पर विराजते हैं, और ऐसी मान्यता है कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने के बाद जब तक लोग आके यहाँ पर दर्शन नहीं कर लेते, माथा नहीं टिका लेते, तब तक चारों धाम की यात्रा को हमारे विंध्य क्षेत्र में लोग पूरा नहीं मानते हैं। ऐसा पवित्र स्थान, ऐसे पवित्र मंदिर के परिक्रमा पथ का आज लोकार्पण हुआ है। उससे पूरा बिछिया नदी का रिवर फ्रंट जो परिक्रमा पथ है, उन सारे भगवानों का जो चारों धाम के यहाँ पर विराजे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण काम का आज लोकार्पण हुआ है। लक्ष्मण बाग परिसर जैसा मनोरम स्थान बहुत ही बिरले जगह पर है। ये रीवा वासियों का सौभाग्य है कि यह स्थान जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लोकेशन में है जहाँ पर ईश्वर की कृपा है, सिद्ध स्थान है। यहाँ लगातार कुछ ना कुछ विकास के काम पिछले कई वर्षों से जो हो रहे हैं, उसके कारण यहाँ पर आप देखिए कि वन भी है, जल भी है, गौ माता भी हैं, भगवान भी हैं, सारे लोग यहाँ पर, सबका यहाँ पर जो उपस्थिति है उस स्थान के महत्व को लगातार बढ़ा रही है। आज लगभग 1.5 करोड़ के राशि से परिसर का और परिक्रमा पथ का जो निर्माण हुआ है, आज उसका लोकार्पण हुआ है।